नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आधुनिक विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है और पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पास है। हम सभी को यह पता है कि आज के युग में पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। वे महाद्वीप हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आज की पृथ्वी जो 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, उसका आधार क्या है? क्यों हम पृथ्वी को केवल 7 महाद्वीपों में ही बांटते हैं? उसका कारण यह है कि सप्त द्वीपों की विचारधारा आधुनिक नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में इसकी अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। आपको कदाचित यह पता नहीं होगा कि जो विश्व का नक्शा आज हमारे पास है, वो भी महर्षि वेदव्यास की ही देन है। इसके बारे में हमने एक और वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो वापस अपने मूल विषय पर लौटते हैं। आज पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटने का कारण यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी पृथ्वी को 7 द्वीपों में ही बांटा गया था। रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण ने इन 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उसे सप्त द्वीपाधिपति कहा जाता था। इन सभी द्वीपों में अलग अलग देश, पर्वत, नदियां और लोग निवास किया करते थे और ये 7 द्वीप 7 पौराणिक समुद्रों से घिरे हुए थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आधुनिक महासागर तो 5 हैं, तो उस समय 7 महासागर कैसे आ गए? लेकिन आप यदि केवल 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि वैज्ञानिकों ने पहले 7 महासागरों की ही परिकल्पना की थी, जिसे हाल के वर्षों में 5 तक सीमित कर दिया गया। वे थे आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, उत्तरी पैसिफिक महासागर, दक्षिणी पैसिफिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। आज हम जिस आर्यावर्त में बैठे हैं, वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। विद्वान आज के एशिया महाद्वीप को ही प्राचीन जम्बू द्वीप मानते हैं। उसी प्रकार अन्य 7 द्वीप भी थे, जिनमें अलग अलग देश थे, जहां विभिन्न राजा शासन करते थे। यदि आप ध्यान से देखें तो आज भी बिल्कुल वही स्थिति है। हर एक महाद्वीप में कई देश हैं और वहां उनकी सरकार का शासन है। पौराणिक मेरु पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। मेरु पर्वत पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे पुराणों में इन सप्त द्वीपों के बारे में एक श्लोक दिया गया है। जम्बू प्रक्षायो द्वीपो शाल्मलश्चा परो द्विजः कुशः क्रौंचस्था शाकः पुष्करैश्व सप्तमः। अर्थात 7 द्वीप हैं जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप एवं पुष्कर द्वीप। इस वीडियो में हम केवल संक्षेप में उनके बारे में बताने वाले हैं। उन सभी द्वीपों के बारे में विस्तार से हम अलग वीडियो बनाएंगे। इन 7 द्वीपों में जो सबसे बड़ा और पहला है, वो है जम्बू द्वीप। यह चारों ओर से लवण अर्थात खारे पानी के सागर से घिरा है। आज का एशिया महाद्वीप पुराने समय में जम्बू द्वीप ही कहलाता था। दूसरा प्लक्ष द्वीप, यह चारों ओर से इक्षुरस अर्थात गन्ने के रस के सागर से घिरा हुआ है। आज का जो दक्षिण अमेरिका का भूभाग है, वह प्राचीन काल में प्लक्ष द्वीप कहलाता था। तीसरा शाल्मल द्वीप चारों ओर से मदिरा अर्थात शराब के सागर से घिरा हुआ है। वर्तमान का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्राचीन काल में शाल्मल द्वीप ही था। चौथा कुश द्वीप, यह चारों ओर से घृत अर्थात घी के सागर से घिरा है। आज जो प्रशांत महासागर के आसपास का फैला हुआ भूखंड है, जिसे हम ओशिनियानिया के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन काल में कुश द्वीप ही था। पांचवा है क्रौंच द्वीप, यह चारों ओर से दधी अर्थात दही के सागर से घिरा हुआ है। आज का जो अफ्रीका महाद्वीप है, वह प्राचीन काल में क्रौंच द्वीप था। छठा है शाक द्वीप, यह चारों ओर से दुग्ध अर्थात क्षीर सागर से घिरा हुआ है। आज का जो यूरोप महाद्वीप है, वह प्राचीन काल में शाक द्वीप के आसपास ही था। सातवां और अंतिम द्वीप है पुष्कर द्वीप, यह चारों ओर से मीठे जल के सागर से घिरा है। आज उत्तरी अमेरिका का जो भूभाग है, वह प्राचीन काल में पुष्कर द्वीप ही था। आप इस मानचित्र को यदि ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक द्वीप ना केवल अपने अपने सागरों से घिरा हुआ है, अपितु हर द्वीप अपने से बड़े द्वीप से भी घिरा हुआ है। तो इस आधार पर आप पाएंगे कि जम्बू द्वीप मध्य में तथा पुष्कर द्वीप सबसे बाहरी भूभाग है। पृथ्वी की इस संरचना का वर्णन महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से किया था। इन 7 द्वीपों का सम्मिलित फैलाव 50 करोड़ योजन माना गया है। यदि किलोमीटर में बताया जाए तो लगभग 640 करोड़ किलोमीटर। तो यह प्राचीन द्वीपों के बारे में एक संक्षेप जानकारी थी। अगले कुछ वीडियो में हम आपको हरेक द्वीप के बारे में विस्तार से बताएंगे।
हम आपको बताएंगे कि वह द्वीप कैसा है, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, वहाँ कौन कौन से पर्वत हैं और वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्मसंसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।